हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ, ये देखिए। और मैं आज अलग तरीके से बथुआ बनाऊँगी। वैसे तो टमाटर डाल के बनाती हूँ, और आज मैं चने की दाल, और ये देखिए मैंने खटाई भिगो दी थी, जो आम की खटाई होती है ना वही है। ये दो ही खटाई डालूँगी वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर। और इसको भी डाल देंगे, चने की दाल और खटाई। फिर इसमें डाल देंगे बथुआ जो हमने काट के धो के अच्छे से रखा हुआ था। ये देखिए इसको डाल देंगे, पूरा बथुआ इसी में डाल देंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे। और ये सब डालने के बाद में ये देखिए बथुआ अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी उट्टी रहती है ना, तो कभी कभी फिर एक बार धुलने से नहीं साफ़ होता है। दो तीन पानी से अच्छे से धोने के बाद में इसको काट लिया है। फिर इसको डाल देंगे कुकर में। ये देखिए कुकर में अच्छे से डालने के बाद में फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, बाद में अगर लगेगा तो फिर डाल देंगे। और उधर साइड में मैंने चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो उधर तैयारी कर लूँगी और चाय भी बना लूँगी। ये देखिए चाय, और आज मैंने पापड़ थोड़े से तल लिए हैं, यही जो होली पे थोड़े बच गए थे वही मैंने फ्राई कर लिए हैं। आज खाने का मन हो रहा था, तो चाय पीने के बाद में फिर मैं चलूँगी छत पर, देखती हूँ जो कपड़े सूखे हैं उनको ले आऊँगी। ये देखिए फ्रेंड कितना धुंध है, अभी इस समय तो कम हो गया है, लेकिन इसके पहले जब मैं छत पर आई थी बहुत ज़्यादा ही कोहरा था। ये देखिए हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। ये देखिए सुबह सुबह ये देखिए जो मैंने नींबू लगाया था ना वो शायद नहीं चलेगा, सूख गया बेचारा। ये देखिए मेरी धनिया, इस समय तो सारे पौधे भी बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं ठंड की वजह से। इसमें गुलाब में एक फूल निकला था और एक कली भी है, देखिए अब इसमें फूल निकलेगा। और ये देखिए मेरा एक गमला फूट गया था, पता नहीं कैसे पैर लग गया मेरा और गिर गया था बेचारा। फिर मैंने इसको फोड़ ही दिया, इसकी मिट्टी मैंने दूसरे गमले में डाल दी है। ये देखिए जो मेरे बगल में काम चल रहा था काफ़ी बढ़ गया है। ये देखिए सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है ना, तो सब बच्चे 9 बजे करीब ही जाते हैं अब, कहीं 8 कहीं 9 ऐसा ही टाइम है सारे स्कूलों का। धुंध बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही मौसम है? गाँव में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होगी। फ्रेंड्स मैं ऊपर से आ गई हूँ नीचे, और मैंने जो चढ़ाया था बथुआ वो भी अच्छे से उबल गया है कुकर में। तो देखिए मैं इसको अच्छे से चमचे से चलाकर इसको मैश कर दूँगी, और मैश करने के बाद में फिर इसमें हम एकदम टैकली करते रहेंगे ताकि अच्छे से दाल भी मिल जाएगी इसमें और खटाई भी अच्छे से मैश हो जाएगी। फिर ये देखिए हमने थोड़ा सा आटा घोल लिया है, यही नॉर्मल गेहूँ का आटा है। अब चाहें तो बेसन भी लगा दें, कोई लोग मक्के का आटा भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ तो गेहूँ का आटा ही हम लोग डालते हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें डाल देंगे जो हमने बथुआ उबाला था उसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए अच्छे से, फिर इसको आटा डालने के बाद में इसको पकाना पड़ेगा अच्छे से। ये देखिए दाल भी अच्छे से मैश कर देनी है, और आटा भी इसमें मिक्स हो जाएगा और पक जाएगा अच्छे से। इतनी देर हमें पकाना है, करीब 5-10 मिनट। ये देखिए इसमें उबाल आने तक इसको पका लेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम लेंगे 1 चमचा जिसमें हम तड़का तैयार कर लेंगे इसका। उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इन सब चीज़ों में अगर सरसों का तेल से छौंक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं खाते आप सरसों का तो आप रिफाइंड में भी डाल सकते हैं, पर सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है,
गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हींग। बथुआ में हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में हम लहसुन जो हमने काट के रखा था उसको भी डाल लिया इसमें। इसको अच्छे से लहसुन को पका लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब तक पकाना है। ये देखिए चम्मच से चला लेंगे ताकि बराबर तरीके से ये पक जाए और पूरा लहसुन हमारा अच्छे से पक जाए, वरना कहीं जल जाएगा और कहीं कच्चा रह जाएगा। इधर देखिए उबाल आ गया हमारे बथुआ में भी, तो इसको हमें पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है लहसुन सारा। और फिर इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लें, वैसे तो मैंने 3 मिर्ची डाली है, थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया क्योंकि जीरा में डालना भूल गई थी पहले, वैसे चाहे आप पहले डाल लें या बाद में तो पक ही जाना है, लेकिन मैं भूल गई थी आज डालना पहले। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो चलाते हुए अच्छे से करके, ताकि जीरा मिर्च लहसुन हमारा सब प्रॉपर तरीके से पक जाएगा। चला देंगे इसको अच्छे से। देखिए हमारा जीरा लहसुन हरी मिर्च तीनों चीज़ें अच्छे से पका लेनी है। देखिए अब हम सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, लहसुन हरी मिर्च जीरा। अब हम देखिए बथुआ भी अच्छे से पक गया है और उसमें तड़का लगा दिया, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एक बार आप बना के जरूर देखिए इस तरह से। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। बाय बाय।